दोस्तों मैं प्रभात तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। आरपीएफ कांस्टेबल की पल पल की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड की जा रही है। आप सभी को पता है कि 2019 में ही लगभग 10,000 पदों पर पीयूष गोयल जी ने आरपीएफ के कांस्टेबल पदों पर विज्ञापन जारी करने की बात कही थी, लेकिन दोस्तों अभी 5 साल हो गया है, कह सकते हैं 4 साल हो गया है, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। तो एक न्यूज आई है, बड़ी तेजी से सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें बताया जा रहा है कि आरपीएफ कांस्टेबल के 10,000 से अधिक पदों पर विज्ञापन जारी। ठीक है, ये न्यूज जब से सर्कुलेट हुई तो बच्चे मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि सर क्या ये सही है, दिसंबर में हम लोगों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों बताना चाहता हूँ कि मैंने इस न्यूज़ को देखने के लिए आज के सारे न्यूज़ को देखा, लेकिन कहीं भी ऐसी कोई न्यूज़ रेलवे की तरफ से नहीं जारी की गई है। तो ये फर्जी न्यूज़ है, लगातार कुछ पुरानी न्यूज़ को वायरल किया जा रहा है। तो प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू इसकी पुष्टि नहीं करता है। रही बात आप लोग का आरपीएफ कांस्टेबल विज्ञापन का, तो दोस्तों आप लोग का इसका विज्ञापन जुलाई या अगस्त के महीने में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो सूचनाएँ मिल रही हैं कम से कम 15,000 से अधिक पद आरपीएफ में खाली हैं। तो जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपको चैनल के माध्यम सूचित कर देंगे। ये न्यूज़ बिल्कुल फेक है, प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू इसकी पुष्टि नहीं करता। जय।